पहले सैलून एंड एकेडमी और आज मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी देने वाली हूँ आईटोस पे, जो हमारे फ्रेशर्स हैं जो नए नए जॉब सीखना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो वो माइंडसेट रहता है कि मेरा आईटो जॉब में है ही नहीं, मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं आज छोटा सा उनके लिए तैयारी करूँगी, तो चलिए थोड़ी सेटअप पे देखते हैं कि क्या क्या सामान आईटोस के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे हाथ में आता मिरर। मिरर लेने के बाद हम करते क्या है, जब हमारे यहाँ क्लाइंट्स आती है तो हम क्लाइंट्स को बैठाते हैं चेयर पे, फिर बोलते हैं कि मैम आप पहले अपना आईब्रोज देखिए, एक्चुअल आईब्रोज जो है उनका वो हम पहले दिखाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टीचिंग वगैरह करने के बाद आईब्रोज गिर जाता है, वहां से निकल जाता है, वो उनका ह्यूमन नेचर होता है कि आईब्रोज निकलता ही निकलता है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि आपने निकाल दिया या कुछ ऐसा, वो होता है, वो हर आईब्रो में होता है, हर क्लाइंट के आईब्रोज में। तो सबसे पहले हम उनको मिरर के थ्रू ये दिखाएंगे कि मैम आपका कहाँ पे कट है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, वो चीज आप दिखा दिए। उसके बाद मैम हम आपको शेप देने वाले हैं, तो आप उसके बाद मिरर रखेंगे, ठीक है, मिरर का काम खत्म। देन आप पाउडर उठाएंगे, पाउडर लगाने के बाद उनका स्टार्ट करेंगे हम लोग थ्रेडिंग, थ्रेडिंग उठाएंगे, शेप देना स्टार्ट करेंगे। शेप होने के बाद हम कट करेंगे आईब्रोज को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आईब्रोज में हमेशा शेप देने के लिए लास्ट में ये टच दिया जाता है, ताकि जो लंबा लंबा हेयर होते हैं वो कट करने पे इक्वली दिखे। देन लास्ट में मॉइस्चराइजर या एस्ट्रोजन, हम लोग ये दोनों चीज में से कोई भी स्किन के अकॉर्डिंग, अगर सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली स्किन हो, तो आप जरूर से जरूर एस्ट्रोजन यूज करें या एलोवेरा आप इसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अगर ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, मॉइस्चराइजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राई स्किन के लिए। तो ट्रॉली सेटअप खत्म हो गया, आप उसको मेंशन जरूर करिएगा, देन मैं आपको थोड़ी बताती हूँ। अब होता ये है कि क्लाइंट्स आए, हम उनका आईब्रो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेशर है, बहुत डर लगता है, मेरे को आईब्रो आती नहीं है, या मैं करती कट लगने का डर है, या बाल ज्यादा निकलने का डर है, या पतली होने का डर है, डोंट वरी, आप टेंशन फ्री होगी ये कर सकती हो, इसलिए कि आप जब थ्रेड करना स्टार्ट करोगे पहले किसी फीमेल को आप बुला लो कि आप उनका आईब्रो टाइटली होल्ड करो, उससे क्या होगा कि कट नहीं लगेगा, जितना टाइट होल्ड करोगे उतना ज्यादा अच्छे से ये होगा आपका, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप टाइटली होल्ड करें, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप उनको बोलिए दोनों हाथों से थोड़ा टाइट करें, देन नीचे से क्लाइंब करेंगे, आप उनका स्टार्ट करोगे सबसे नीचे से, जहाँ से उनका बाल स्टार्ट हुआ है एकदम नीचे से, लोअर से, वो आप दो लाइन निकालोगे, हल्की सी ऊपर से निकालोगे, फिर उनका आईब्रो छोड़ोगे, नहीं कि आप डायरेक्ट जाके उनका जो शेप है वहाँ पे निकालने लगोगे, ये गलती आप कभी मत करना, अगर ये गलती करोगे तो हमेशा आपको दिक्कत आएंगी आईब्रोज बनाने, पहले तो कट लगने का चांस है, दूसरा है कि आप बाल सारा निकाल दो, क्योंकि आपको फ्रेशर हो, आइडिया है नहीं कि आप कहाँ से निकाल रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है नीचे से, नीचे दो लाइन निकालो, ऊपर निकालो, आईब्रो छोड़ो, पहले मिलाओ, तो बाद में देखो थोड़ा सा ज्यादा पतला तो नहीं हो रहा, ज्यादा जल्दी तो निकल गया, ये सब चीज़ आप मैनेज करोगे पहले, वहाँ देखोगे कि हाँ ये मेरे हिसाब से सही है कि नहीं। आप क्लाइंट को नहीं बता सकते हो कि हाँ मैम मैंने ये कर दिया ऐसे किया, नहीं क्लाइंट रिजेक्ट हो जाएगा, आप उनको नहीं बताओ, आप बोलो कि मैम मेरे को मैनेज करना है, मेजर देखना है कि हाँ मैंने सही तरीके से निकाला तो सही, ज्यादा मोटी तो नहीं लगी, ज्यादा पतली तो नहीं लगी, तो उस अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लग रहा है कि नीचे से आपको और निकलेगा, शेप दे सकते हो, आपके पास टाइम है, अगर आप पतला कर दोगे आप उसको शेप नहीं दे सकते, ऑलरेडी वो शेप से खड़ा हो जाएगा और क्लाइंट रिजेक्ट हो जाएगी, और आईब्रो अगर बिगड़ता है तो क्लाइंट हमेशा भी आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। तो आपको उसके लिए करना है कि हमेशा संभल के आईब्रो बनाएंगे, जब भी बनाई कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस आपको उसको समझना है, मिल ही जाएगी, उसको समझने का कोशिश कीजिए। अब आपको करना ये है कि आप जब बनाते हो तो दो लाइन जो पहले आप निकाले उसके बाद दो लाइन और निकालो, यानी कि इस लाइन को लेवल पे लाने से पहले तक आप उसको लाओ और फिर बाल छोड़ो, ऊपर से भी नीचे से दोनों मैनेज करो, मोटा मोटा बनाने का कोशिश करिए आप, ठीक है। उसके बाद जब आप ये चीज देख लोगे तो फिर आप चेक करोगे उसका शेप आया कि नहीं, एक्चुअली उन्होंने जैसा शेप बोला था वो आया कि नहीं, जब अगर आपको लगे कि नहीं मैं सही है, एक दो बाल ऊपर नीचे आप छोड़ दो, उस बाल को मैनेज करने के चक्कर में आपका आईब्रो बिगड़ने का चांस होता है, ठीक है। तो आप उस बाल को छोड़ दोगे और टाइटली बोल के करना, आपका कट नहीं लगेगा, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि हाँ आप जितना टाइट होल्ड करोगे, माइंड सेट कर लीजिए कि ये जितना टाइट होल्ड आप करोगे उतना ही अच्छा आईब्रो का फिनिशिंग आना, और माइंड सेट है ये करना आपको कि अगर लास्ट में यहाँ पे अगर आप शेप दे रहे हो, एक दो बाल ऊपर नीचे दिख रहा है, तो आप पहले उसको छोड़ोगे, पहले मेजर करोगे कि मैंने सही निकाला कि नहीं, अगर वो सही हो गया तो ये सही है, एक दो बाल है तो आप उसको छोड़ दो, क्लाइंट को बता दो कि मैम आपका
बाल निकालने की वजह से ये प्रॉब्लम आने का चांस है, नहीं तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो क्लाइंट्स रिफर करती है उस चीज को, आपकी बातों को कि हाँ नहीं ये सही बोल रही है, तो आप किस चीज को छोड़ दो, ये तो ये समझा दो मैम को कि मैम मैं निकालूंगी तो फिर वो एक्स्ट्रा निकला हुआ दिखे। जब तक आप क्लाइंट को अच्छे से बताओगे नहीं, क्लाइंट इंपॉर्टेंट नहीं देगी आपके काम को, तो उसके लिए आपको ये चीज करना होगा। और देन नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलती हूँ आपको, करते हुए मैं बताऊंगी और थोड़ी मैं बताते हुए करूंगी, ठीक है? तो आप देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ, देन आप उसी अकॉर्डिंग आप बनाओगे। तो ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस पहले सरोन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप जरूर करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।